नमस्कार दोस्तों, टारगेट है में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, एम्स भोपाल के द्वारा हाल ही में जो भर्ती विज्ञापन जारी किया गया था, उसके लिए दोस्तों एक ऑफिशियल नोटिस जारी किया गया है। तो किस चीज़ के लिए नोटिस है वो हम देखेंगे। सबसे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और दोस्तों, आप हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से आपको ये नोटिस मिल जाएगा, ऑफिशियल नोटिस जो जारी किया गया है। सबसे पहले दोस्तों, हम इसमें देख लेते हैं कौन कौन से पोस्ट के लिए भर्ती विज्ञापन जारी किया गया था। तो देख सकते हैं, लैब अटेंडेंट के लिए पोस्ट शामिल था, मेडिकल रिकॉर्डर टेक्नीशियन के लिए, फार्मासिस्ट के लिए पोस्ट भी शामिल था दोस्तों इसमें, और जूनियर मेडिकल रिकॉर्डर के लिए, साथ में डार्क रूम असिस्टेंट और मैकेनिक और लैब टेक्नीशियन के लिए भी दोस्तों इसमें पोस्ट शामिल था, और फार्मासिस्ट के लिए भी था। अब दोस्तों, इसमें हम देख लेते हैं क्या ऑफिशियल नोटिस जारी किया गया है। तो दोस्तों, इसमें आप देख सकते हैं, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान भोपाल, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस भोपाल से ये नोटिस जारी किया गया है। 10/11/2023 को ये नोटिस जारी हुआ है। और इसमें देख सकते हैं आप, कैंसिलेशन नोटिस दोस्तों, ये भर्ती विज्ञापन को कैंसिल करने के लिए ये नोटिस जारी किया गया है। आप देख सकते हैं, ये एडवर्टाइजमेंट, आप जो भर्ती विज्ञापन जारी हुआ था उस नोटिफिकेशन के एडवर्टाइजमेंट नंबर और इस नोटिस के एडवर्टाइजमेंट नंबर को आप उसमें चेक कर सकते हैं, दोनों का सेम है। और ग्रुप सी के लिए जो भर्ती विज्ञापन जारी किया गया था उसको दोस्तों इस नोटिस के माध्यम से आपको बताया जा रहा है, ये भर्ती विज्ञापन को कैंसिल कर दिया गया है। देख सकते हैं, इट इज़ हियर बाय इन्फॉर्म दैट दी एडवर्टाइजमेंट नंबर, ये एडवर्टाइजमेंट नंबर आप उसमें चेक कर सकते हैं, डेट 25/10/2023 25 अक्टूबर को दोस्तों ये पब्लिश किया गया था न्यूज़पेपर के माध्यम से, साथ में 27/10/2023 को ऑफिशियल दोस्तों इसके इंस्टीट्यूट के वेबसाइट में ये भर्ती विज्ञापन अपलोड कर दिया गया था। इसका नोटिफिकेशन 357 पद के लिए दोस्तों ग्रुप सी का नोटिफिकेशन जारी किया गया था, और हाल ही में इसको 10/11/2023 को कैंसिल कर दिया गया इस भर्ती विज्ञापन को। और जितने भी दोस्तों इस भर्ती विज्ञापन में जो भी कैंडिडेट अप्लाई किए हैं, उनका जो एप्लीकेशन फीस लगा है उसको रिफंड कर दिया जाएगा। टोटल 26 अलग अलग पोस्ट के लिए भर्ती विज्ञापन जारी किया गया था, और इसमें आपको एप्लीकेशन फ़ीस के लिए बताया जा रहा है, एप्लीकेशन फ़ीस ऑफ कैंडिडेट हु हैव ऑलरेडी अप्लाई अगेंस्ट द एडवर्टाइजमेंट शैल बी रिफंड। जितने भी कैंडिडेट दोस्तों इसमें अप्लाई किए हैं, उनका जो एप्लीकेशन फ़ीस लगा है उसको रिफंड कर दिया जाएगा। दोस्तों, आप जिस भी अकाउंट से अपना एप्लीकेशन फ़ीस पे किए हैं, उसी अकाउंट पे आपका ये रिफंड का पैसा आ जाएगा। आपका जो एप्लीकेशन फ़ीस था, जितना आप पे किए हैं, वो आपको रिफंड कर दिया जाएगा। इस ऑफिशियल नोटिस के लिए दोस्तों, आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाएं, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर पाएंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू सो मच।